हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करेंगे। ये एक क्लास 6 बीबीसी का क्लासरूम असाइनमेंट 48 है, दैट इज ऑन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। पार्ट ए हम रीड करेंगे। अंडरलाइन द करेक्ट ऑप्शंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट, मोस्ट कैट्स डैश फसी क्रिएचर्स। मोस्ट कैट्स हमारे पास क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ हम आर का यूज करेंगे। आर फसी क्रिएचर्स, बट आर पेट कैट डेजी, ये सिंगुलर है, तो इसके साथ हमारे पास सिंगुलर वर्ब आएगी, इज वेरी सिंपल। सेकेंड, ऑल द कोचेज ऑफ द ट्रेन। अब हमारे पास कोचेज जो है वो प्लूरल है, तो इसके साथ क्या आएगा, हैव डीरेल्ड। थर्ड, हेयर डैश योर पिज्जास, ये हमारे पास प्लूरल है, तो इसके साथ आर आएगा विद नो कैप्सिकम सर। फोर्थ, वेयर डैश अलादीन एंड हिज वाइफ लिव। अभी हमारे पास प्लूरल है, दो पर्सन, तो इसके साथ हम डू का यूज करेंगे। फिफ्थ, द चिल्ड्रन सेलिंग टॉयज एट द क्रॉसिंग कम्स और कम फ्रॉम पुअर फैमिलीज लिविंग इन द स्लम नियर बाय। अब चिल्ड्रन हमारे पास क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, दैट इज कम। सिक्स, द लायन एंड द माउस डैश बिकम गुड फ्रेंड्स नाउ। अब ये हमारे पास क्या है, लायन और माउस, मोर देन वन है, प्लूरल है, तो इसके साथ हम यूज करेंगे हैव का। नेक्स्ट सेवेंथ रीड करेंगे, द लायन एंड द माउस इज और आर एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब ये उसमें भी द लायन एंड द माउस था, इसमें भी द लायन एंड द माउस है, बट उसमें दो पर्सन थे और इसमें एक ही स्टोरी का नाम है, तो स्टोरी तो हमारे पास एक ही स्टोरी है, तो ये हमारे पास सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ हम इज का यूज करेंगे। एट, दही एंड वड़ा डैश माई फेवरेट स्नैक। अब दही एंड वड़ा एक पूरा एक स्नैक है, हम इसको अलग अलग नहीं खाते, तो ये हमारे पास वन स्नैक है, इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे इज का। नाइन्थ, माई फ्रेंड रमन एंड आई प्ले और प्लेज बैडमिंटन आफ्टर स्कूल। अब इसमें टू पर्सन है, तो हमारे पास प्लूरल नाउन हुआ, तो प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब प्ले का यूज होगा। टेंथ, नो वन इज और आर अबव द लॉ। कोई भी नहीं, नो वन जो है हमारे पास सिंगुलर नाउन होता है, इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। इलेवन, टू एंड टू मेक और मेक्स फोर। अब दो और दो, तो एक दो और दो दो, हमारे पास टू होगा, ये हमारे पास प्लूरल नाउन हो गया, तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब मेक का यूज करेंगे। 12, आइदर नसरू और हिज फ्रेंड्स हैज और हैव स्टोलन माय गोल्ड, सेड अमीना। तो इधर और जो होता है वो हमारे पास, उसके साथ जो भी नाउन आ रहा होता है, हम उसके लिए क्या देखते हैं, सेकंड वाला हम नाउन जो है वो कंसीडर करेंगे। हमें इसमें गिवन है हिज फ्रेंड्स, जो कि एक प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे हैव का। 13, माई न्यू पेयर ऑफ शूज इज और आर टू लूज फॉर मी। तो माई न्यू पेयर ऑफ शूज, पेयर जो है वो एक ही है, तो इसके साथ इज का यूज होगा। 14, अ हर्ड ऑफ कैटल वॉज और वर ड्रिंकिंग वाटर एट द पोन। तो अ हर्ड ऑफ कैटल, तो ये झुंड है हमारे पास, पर एक झुंड की बात हो रही है, तो ये सिंगुलर है, कलेक्टिव नाउन के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। 15, हम रीड करेंगे, द इंस्पेक्टर अलॉन्ग विद 3 पुलिसमैन हैज और हैव बीन सस्पेंडेड फॉर नेग्लिजेंस। तो जब हमारे पास अलॉन्ग विद आ जाता है, तो इसमें हम फर्स्ट वाले नाउन का हम सिंगुलर या प्लूरल नाउन जो है वो कंसीडर करते हैं, तो ये हमारे पास सिंगुलर है, तो इसके साथ हम हैज का यूज करेंगे। 16, 80 रुपीज, तो हमारे पास कोई फिक्स प्राइस गिवन होता है, वो हमारे पास सिंगुलर नाउन होता है, इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब इज का यूज करेंगे। 80 rupees is too high a price to pay for this pen. Part B, fill in the blanks in each of the following sentences by choosing a form of the verb that agrees with the subject. First, all the milk dash finished, there isn't any left for the baby. तो जितना भी milk है वो finish हो गया है, इसके साथ हम is का use करेंगे। Second, it's Sam not his friends who dash broken the window pane. तो जब हमारे पास आ गया इट्स सैम नॉट हिज फ्रेंड्स, तो इसके साथ हम फर्स्ट वाले नाउन को कंसीडर करेंगे और इसके साथ हम हैज का यूज करेंगे। थर्ड, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड माय फेवरेट हॉबी डैश कलेक्टिंग स्टैंप्स। तो ये हमारे पास पास्ट फॉर्म की बात हो रही है, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, तो बी जो है हमारे पास वाज या वर के फॉर्म में यूज होगा,
वो भी हमारे पास सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब वॉज का यूज करेंगे। फोर्थ एथलेटिक्स, सिंगुलर नाउन है इज। माय फादर एज वेल एज माय ब्रदर डैश स्टडीड बायोलॉजी। तो एज वेल एज कंजंक्शन जब हमारे पास आती है तो हम फर्स्ट नाउन को कंसीडर करते हैं। माय फादर ये हमारे पास सिंगुलर है तो इसके साथ हम हैज का यूज करेंगे। नेक्स्ट सिक्स, द पुलिस डैश गिवन हिम अ क्लीन चिट। द पुलिस हैज गिवन हिम अ क्लीन चिट। सेवन, ब्रेड एंड बटर डैश माय फेवरेट फूड इज। वेयर माय बंच ऑफ कीज डिसअपीयर्ड। तो बंच ऑफ कीज है, कलेक्टिव नाउन है तो कलेक्टिव नाउन के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं तो हमारे पास ये आएगा हैज। नाइन्थ, योर ट्राउजर्स। ट्राउजर्स हम हमेशा एस के साथ ही यूज करा जाता है ट्राउजर वर्ड, तो ये हमारे पास सिंगुलर नाउन ही कंसिडर होगा, इज वेरी स्टाइलिश। टेंथ, डैश एनीबडी केयर अबाउट योर फीलिंग्स। तो एनीबडी हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ अब सिंगुलर वर्ब डज का यूज करेंगे। पार्ट सी, ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज एन एरर इन द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आइडेंटिफाई द एरर, रीराइट द सेंटेंस। अब हमारे को कुछ सेंटेंसेस गिवन है, इनमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है तो उन एरर को हमें फाइंड आउट करना है, दोबारा से इनको हमें लिखना है। फर्स्ट, प्लेंटी ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स इज अवेलेबल इन दिस स्टोर। अब इसमें हमारे पास क्या हमारे को रॉन्ग गिवन है हम ये देखेंगे। तो ये हमारे पास एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एक्सरसाइज है तो इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही कुछ ना कुछ हमारे पास एरर होगा। तो हम सेंटेंस को रीड करते हैं, प्लेंटी ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल्स हमारे पास क्या होती है, प्लूरल नाउन होती है, बट इसके साथ इसका यूज हो रखा है तो ये हमारे पास रॉन्ग है। आर अवेलेबल इन दिस स्टोर। सेकेंड हम रीड करेंगे, अ नोटबुक एंड अ पैन इज मिसिंग फ्रॉम माई बैग। अब इसमें क्या मिस्टेक है, अ नोटबुक एंड अ पेन। अब दो चीजें हैं तो दो के साथ हम किसका यूज करेंगे, आर मिसिंग फ्रॉम माई बैग। थर्ड सेंटेंस रीड करेंगे, द ब्राइड एज वेल एज द ब्राइड ग्रूम बिलोंग टू द सेम कम्युनिटी। अब हमारे पास यहाँ दे रखा है एज वेल एज और इन दोनों के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज हुआ है पहले भी और बाद में भी। द ब्राइड एज वेल एज द ब्राइड ग्रूम, इसके साथ हम सिंगुलर सब वर्ब का यूज करेंगे, बिलोंग्स टू द सेम कम्युनिटी। फोर्थ, बोथ द ब्रदर एंड द सिस्टर हैज अप्लाइड फॉर द जॉब। तो हमारे पास क्या गिवन है, बोथ द ब्रदर एंड द सिस्टर। तो ये हमारे पास क्या है, प्लूरल हो गया हमारे पास नाउन, सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, हैव अप्लाइड फॉर द जॉब। फिफ्थ, $1 million आर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। तो जब भी हमारे पास फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी गिवन है, $1 million है तो इसके साथ हम इज का यूज करेंगे, नॉट आर। इज अ huge amount of money।